नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इनोशन में और हमारे 1300 मैथ फॉर्मूले सीरीज में। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है। पहला वीडियो स्टार्ट हो चुका है, अब ये दूसरी वीडियो है सीरीज का और इसमें मैं अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले आपको कवर करके देने वाला हूँ। और प्लीज, पिछली वीडियो कैसी लगी, फॉर्मूलेस कैसे थे, कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो भी देखें। और इस वीडियो में भी आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पोर्शन अच्छा लगे, तो प्लीज आप कमेंट में करके हमें इन्फॉर्म करें और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अगर किसी को ऐसा भी लगता है कि हमें कोई इम्प्रूव करना चाहिए कुछ, तो प्लीज वो भी कमेंट में जरूर लिखें और हमें हेल्प करें टू गिव यू बेटर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा नंबर सेट्स हमने करा दिया। आज अलजेब्रा कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे टोटल टॉपिक्स 8 हैं: फैक्टरिंग फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, पावर्स, रूट्स, लॉगरिथम, इक्वेशन, इनइक्वालिटीज और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूलाज। ये सारा आज अभी हम कवर करने वाले हैं अलजेब्रा। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, वीडियो एंड तक देखिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज पिछले वीडियो जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम फैक्टरिंग फॉर्मूलाज। ओके दोस्तों, तो फैक्टरिंग फॉर्मूलाज क्या होता है, कैसे इसको यूज करना है, कहाँ यूज होगा, क्या होगा, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो फैक्टरिंग फॉर्मूलाज जो है हमारा, रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एबीसी होता है, नेचुरल हमारा हमारा एन होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी जानते हैं शुरुआत से, ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये 8th, 9th, 7th, 6th, सब में मतलब ये कवर कराना है। और ये बेसिक फॉर्मूलाज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। और आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको आता है सभी को, ए इंटू ए ए स्क्वायर आता है, फिर बी इंटू ए प्लस बी ए आता है, और फिर इसी तरीके से जब a माइनस, तो माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरीके से हम फॉर्मूला निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूले निकालने का तरीका क्या होता है, तो प्लीज आप जैसा कि नोटबुक बना चुके हैं, तो ये हमारा 65th फॉर्मूला है और यहाँ पर आपको नंबर्स भी हम देते जा रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा नंबर का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप नोटबुक बनाइए और फॉर्मूले का नंबर भी लिखिए, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप नोटबुक निकाल के वहां से आप क्वेश्चंस के फॉर्मूले देख सकते हैं और उसमें पुट करके क्वेश्चन में आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जो कि क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप क्या हुआ, तो आप ये देख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरीके से a प्लस बी के लिए होता है, a प्लस बी यहाँ होता है, चेंज हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस तरीके से आप कंपेयर करके भी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो प्लीज कंपेरिजन करना सीखिए और फॉर्मूले को इस तरीके से रिमेम्बर करें, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप इजिली सॉल्व कर सके। अब a की पावर 4, b की पावर 4, ये बिल्कुल इससे रिलेट करेगा, a की पावर 4 और b की पावर 4 बिल्कुल इस फॉर्मूले से रिलेट करेगा। तो वो कैसे, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप इसको इस तरीके से भी लग सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा, a की पावर 4 और b की पावर 4 का। इसी तरीके से a की पावर 5 माइनस b की पावर 5, तो इसका फॉर्मूला भी है, आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये प्राप्त करेंगे। और इसी तरीके से a प्लस, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, दो जगह यहाँ पे साइन चेंज हुआ, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा था, तो एक दो जगह चेंज हुआ। और इसमें थोड़ा बड़ा था फॉर्मूला, 5 है पावर, तो इसमें 3 जगह चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसको फॉर्मूला बनाने का, a की पावर 3 है तो यहाँ स्क्वायर आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, उससे एक कम, देख सकते हैं एक कम, और फिर इसमें सिर्फ ए बी था, तो अब क्या आएगा, आपका ए बी नहीं आएगा, 1 और 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 तो आएगा ही, उसके आगे पीछे भी आएगा, तो a की पावर क्यूब b आएगा और a की b a b की क्यूब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 का फॉर्मूला भी आप खुद से इजिली बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है,
अब अगले में 7 जब बनाइएगा तो ए की पावर क्यूब और बी की पावर क्यूब सेंटर में रख के इसके आगे पीछे आपको बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, आप ये देखिए, ये रहा आपका इसका जनरलाइजेशन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ए की पावर एन और बी की पावर एन का, तो ए प्लस बी रहेगा। अब ए एन रेज पावर -1, ए एन रेज पावर -2, इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला चलेगा और ये एंड तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा वो होता है बाइनोमियल थ्योरम में करते हैं हम इसको, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम फाइंड करते हैं वैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये एन इज इवन, जब इवन होगा जैसे स्क्वायर है और 4 है पावर, तब क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा सब में प्लस, बस इसमें माइनस, लेकिन इसमें क्या है प्लस रहेगा, और इसमें एक छोड़ के प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, इस तरीके से चलेगा ऑड के लिए, और इवन के लिए सारे अंदर में जो होंगे प्लस होंगे, बस माइनस कहाँ होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम, ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करके, जनरल फॉर्मूला ये आ गया। प्रोडक्ट फॉर्मूलेस कैसे हैं, अब प्रोडक्ट फॉर्मूलेस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ भी रियल नंबर ए बी सी है और होल नंबर एन और के है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से आएगा, एक क्यूब आएगा और हमारा ए प्लस बी का 4 आएगा। बाइनोमियल फॉर्मूला से हम इसको फिर से क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, तो जनरलाइज करने के बाद क्या होगा, ए प्लस बी की पावर एन जो होगा वो कैसे आएगा, एन सी 0 ए की पावर एन, एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1, जो यहाँ पर होगा वो वहां माइनस होगा, फिर देखिए यहाँ पर 2 माइनस 2 और ये बी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही आएगा, जो ये हमारा सी 2 आ रहा है वही यहाँ भी आएगा और माइनस में और यहाँ भी आएगा, इसी तरीके से चलता जाएगा, तो एन सी एन 1 हो जाता है, बी की पावर एन आ जाता है, इसी तरीके से एन सी 0 भी 1 होता है, तो ए की पावर एन, तो शुरू और अंत में क्या आएगा, ए की पावर एन और बी की पावर एन, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है बाइनोमियल फॉर्मूले से, उसी से ये सारे फॉर्मूले बने हुए। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं, अब ये देखिए स्क्वायर वाला 3 है इसमें, इसके अंदर पहले हमारा 2 हुआ करता था, अब क्या है 3 है, तो 3 जब होगा तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। अब ये देखिए बहुत है, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो क्या करना है आपको, सभी का स्क्वायर कर देना है और 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी ए सी इस तरीके से, ए यू सब, मतलब इस तरीके से कर देना है, तो ये हमारा 3 वाले के लिए। अब पावर्स देखते हैं, ए की पावर ये हमारा जो होता है ये एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, ऐसे पावर्स है हमारा ये बेस और पावर, तो पावर क्या है हमारा इसमें, ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो क्या है यहाँ पर बेस हमारा सेम है, बेस आप जैसा कि देख रहे हैं सेम है, जब बेस सेम होगा तो क्या करता है पावर ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सो जब ये मल्टीप्लीकेशन में होता है और बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, और जब डिविजन में होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ए एम और बी एम है, अलग अलग बेस है तो अलग अलग पावर्स हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके भी, जैसे ए और बी तो 2 और 3 की पावर 5 है, तो 2 × 3 करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उनको अलग अलग भी पावर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग करने से ये इजी होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बड़े नंबर्स का, और जो हमारा होता है स्क्वायर करना या फिर क्यूब जो भी पावर है उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे ही ए की पावर ए अपॉन में बी की पावर एम है, तो अलग अलग ऊपर नीचे हो जाएगा इसका, और ये आपस में पावर ऊपर अगर हैं दिए हुए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ए की पावर 0 1 होता है, मतलब किसी की भी पावर, कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और ए की पावर 1 है तो ए होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये मिस्टेक है, आप इसको ए कर लीजिए, ए की पावर 1 अगर है तो क्या होगा वहां पे, ए होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ए की पावर माइनस एम है तो 1/m हो जाएगा, ए की पावर अंडर रूट एम, ए की पावर एम अपॉन में एन है। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, एन जो होगा हमारा वो क्यू रूट में होगा, और एम उसका पावर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप पावर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसको नीचे वाला डिनोमिनेटर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से रूट फॉर्मूला होता है हमारा एन ए बी, तो उसको क्या करेंगे, पहले ए का अलग निकाल सकते हैं आप, इसी तरीके से बी का अलग निकाल सकते हैं, और इसमें जैसे एन ए और एम बी है तो ए और बी को आप अलग बाहर निकाल, मतलब मल्टीप्लाई एन और एम कर सकते हैं, और अंदर ए की पावर एम और बी की पावर एन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से एन अंडर रूट ए अपॉन में बी है तो उसको क्या कर सकते हैं आप,
इसको एन ए और एन बी अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, आप इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अगर कोई फॉर्मूला समझ नहीं आता, कोई नंबर गलत, जैसे 96 नहीं आ रहा समझ में, तो आप 96 कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। 100 नहीं आ रहा समझ में तो 100 पूछ सकते हैं। 99 नहीं आ रहा तो आप कोई सा भी पूछ सकते हैं। और हमारे ग्रुप का भी व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पे भी अवेलेबल होती है 24x7, और आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा ये लॉगरिथम्स पे चलते हैं। अगला हमारा लॉगरिथम्स है। लॉगरिथम्स क्या होता है, जैसे लॉग a1 है वो 0 के इक्वल होता है। अब ये देखिए y log ax और x is equals to a की पावर y, ये मतलब बेसिकली आप इसको e से सॉल्व कीजिए। मतलब ये जब कब होगा पॉसिबल, जब x इक्वल्स टू ए की पावर y होगा, ठीक है दोस्तों, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो log a1 हमारा कितना होता है 0, log a कितना होता है 1, ये याद करने वाली चीजें हैं, याद कर लीजिएगा इनको। log a 0 क्या होगा, एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा, जब a इज ग्रेटर देन 1 और a इज लेस देन 1 होगा तो प्लस इन्फिनिटी होगा। इसी तरीके से log, अब ये x y मल्टीप्लाई में है तो इनका जब होता है तो वो log x प्लस log y हो जाता है, एडिशन हो जाता है। इस तरीके से डिवीजन में जो होते हैं तो माइनस हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मुलेज हैं, जनरल फॉर्मुलेज। और log a x की पावर n है तो n जो होगा ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है बाहर, तो n log a x हो जाता है ये फॉर्मूला। इसी तरीके से यहाँ पे n जो है तो x की पावर 1 अपॉन n है, तो 1 अपॉन n हमारा बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन n log a x बचेगा। इसी तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है x, तो log a x तो इसका क्या हो जाता है, log c x अपॉन में log c a होता है, इसको टू log c x भी इसको बोलते हैं हम, इनटू में log a c। ओके दोस्तों, तो ये आप करते रहिए, ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। लॉगरिथम टू बेस 10, जब बेस 10 होता है तो उसका लॉग जो होता है एक्स अगर है तो वो एक्स भी आ जाता है। और नेचुरल लॉगरिथम लॉग एक्स ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स बोलते हैं। नेचुरल लॉगरिथम को एल एन एक्स बोला जाता है। वेयर ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा लिमिट 1 + 1 अपॉन के की पावर के, जो कि हमारा किसके बराबर होता है इसके। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं हम। लॉग एक्स 1 अपॉन एल एन एक्स, एल एन टेन एक्स और एल एन टेन एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन एल एन 10 की वैल्यू पुट कर देंगे तो एल एन एक्स हमारा मल्टीप्लाई में रह जाएगा। इसी तरीके से ये भी है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको हायर स्टडीज के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस की। इक्वेशंस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स। तो ये एक्स है, ये हमारा एक्स जो है वो वेरिएबल है, इसको चर बोला जाता है और एक अचर होता है। तो x जो है हमारा अचर है और a और b जो है हमारा चर है। ठीक है दोस्तों, तो लीनियर वेरिएबल्स कांस्टेंट और वेरिएबल, तो x हमारा वेरिएबल है और a b क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, माइनस b अपॉन में a। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, स्क्वायर लग जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला, इसके दो रूट्स आएंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस, तो प्लस जब लगाइएगा तो एक रूट आएगा, फिर माइनस जब लगा के सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा रूट आएगा। तो ये दो रूट के लिए है। इस तरीके से डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, किस तरीके के होंगे वो यहाँ से पता चलता है। फिर ये आता है वेट्स फॉर्मूला, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस पी, और x1 इंटू x2 इक्वल्स टू, ये हमारा एडिशन ऑफ रूट्स है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा क्यू। इसी तरीके से हमारा x1 जीरो आया, x2 माइनस बी अपॉन में ए आया। ये सारे फॉर्मूले, क्यूबिक इक्वेशन, कार्डिनस फॉर्मूला, y³ प्लस py प्लस q इक्वल्स टू जीरो, ये मच इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और चाहे तो ना भी नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटीज में क्या होता है, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, रियल नंबर्स हमारा ये दिया हुआ है, और डिटरमिनेंट्स हमारे पता है, डी एक्स होगा, डी वाई होगा, डी वाई डी जेड होगा, तीन होंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व कर आउट करते हैं, ये देख सकते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू, इस तरीके से सॉल्व इक्वल डिनोट किया जाता है। और जब इक्वल्स टू आता है तो ये डॉट जो होता है डार्क होता है, जब इक्वल्स टू नहीं होता तो डॉट डार्क नहीं होता है। इसको इंटरवल बोला जाता है, इंटरवल नोटेशन, और इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल, इसको सेमी ओपन इंटरवल, और इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं हम।
और ये हमारा इन्फिनिटी जब जाता है तो यहाँ पे कोई डॉट नहीं आता क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है, इस तरीके से इधर भी इन्फिनिटी जाएगा तो डॉट नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो था हमारा इंटरवल इनफिनिटीज नोटेशन था। तो ये हमारे सारे, अब ए इज ग्रेटर देन बी और देन बी इज लेस देन ए, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, चाहे इस तरीके से लिख दो। इसी तरीके से इसको यहाँ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर ए बी से बड़ा है मतलब 4 और यहाँ 3 है, तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो क्या होगा, 0 से बड़ा आया। इसी तरीके से 3 में से जब 4 माइनस करोगे तो -1 आएगा, तो वो 0 से छोटा आएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व किया हुआ है, ये इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। अगर कोई इनइक्वालिटीज आपको समझ नहीं आती है, आप इन सभी को नोट कर लीजिए अच्छे से अपने नोटबुक में, और आप इनको याद भी कर सकते हैं। सभी को याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझने की जरूरत है, आपको बेस क्लियर हो जाएगा इसका, सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप अच्छे से इनको नोट कीजिए और समझिए जितना भी समझाया जा रहा है, और नोटबुक में जरूर नोट करते जाइए। हाँ, तो ये देखिए, ये इक्वेशन हमारा इज लेस देन एंड इक्वल टू दिस, तो ये देख सकते हैं, ये अंडर रूट में है और यहाँ अपॉन में एन है, तो वन और ये जो किसके इक्वल है, ग्रेटर देन 0 होगा ये सारा। ठीक है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, तो ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो एक्स क्या होगा, एक्स जो होगा हमारा ग्रेटर देन होगा माइनस बी अपॉन में ए से। इसका आप रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, जैसे देख सकते हैं आप, ये इधर माइनस बी कीजिए, इधर भी माइनस बी आएगा, फिर ए से डिवाइड कीजिए, इधर भी ए से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आएगा, इसी तरीके से यहाँ ग्रेटर देन आएगा क्योंकि एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ए जब लेस देन 0 होगा तो वो ग्रेटर देन आएगा, और ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वो लेस देन आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा कुछ ग्राफ बनाया हुआ है जो डिनोट किया गया है, और ये इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है सभी के लिए, तो ये छोड़ सकते हैं आप, ये हायर एजुकेशन में इम्पोर्टेंट होता है ज्यादा। अब ये देखिए, मोड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन होगा मोड ए प्लस बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 4 है और यहाँ -3 है तो 1 आया, तो वो लेस देन, यहाँ पर क्या होगा, ये 4 और -1, तो वो भी क्या आएगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ज्यादा आएगा, तो ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, ए इज इक्वल टू सी 1 प्लस आर अपॉन में n की पावर nt। n जो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जैसे एक साल में अगर 2 बार हमारा वो कंपाउंड हो रहा है तो 2 आएगा, और टाइम जो भी हमारा जैसे 5 साल है, 4 साल है, 2 साल है, तो वो टाइम t आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से, या फिर आप यहाँ पर n भी लिख सकते हैं सिर्फ डायरेक्ट, और n जब लिखिएगा तो आपको एक चीज सॉल्व करना पड़ेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे ईयर्स आते हैं, अगर हाफ ईयरली है तो 1 साल को आप 2 लिखिएगा, क्योंकि हाँ 1 साल में वो 2 बार कंपाउंड होगा, तो ये n की, n का मतलब ये होता है। सिंप्लीफाइड कंपाउंड इंटरेस्ट, ए इज इक्वल टू सी प्लस वन 1 प्लस आर की पावर टी, ये सिंप्लीफाइड है। कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट, ए इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पावर आर टी होता है, कंटिन्यूअस चलता जाए इन्फिनिटी तक, कभी खत्म ही ना हो, तो ये हमारा होता है। तो उसके बाद अब अगला चैप्टर हम 3 करवाएंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, चैप्टर 3 में आपको सारा कुछ बताएंगे ज्योमेट्री के बारे में हम, तो जो हमारा अगला वीडियो होगा वो चैप्टर 3 पे होगा, ज्योमेट्री पे होगा। आप जैसा कि जानते हैं हमारे पास टोटल 12 वीडियो आने वाले हैं इस सीरीज में, 1300 मैथ्स फॉर्मूलेज के सीरीज में, तो आप बने रहिए, नोटबुक बना के रखिए। हमारा टोटल फॉर्मूला अभी तक हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना, 155 फॉर्मूलेज हो चुके हैं, और आगे फिर हम करते हैं, तो 1300 तक हमें पहुंचना है, टोटल फॉर्मूले हमारे 1300 आपको प्रोवाइड करना है, जो भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके, कुछ भी एक भी पोर्शन, एक भी कॉर्नर से भी हमें छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है, हमारा ये मोटो है, हमारा ये लक्ष्य है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं या पुराने हैं और हमारे सब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने भी, पहले भी आप वीडियो देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट अस टू गिव यू बेस्ट मटेरियल विच वी कैन डू। सो प्लीज शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट मटेरियल्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।